नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। इसराइल पर आतंकवादी हमलावरों व उनका समर्थन करने वालों के विरुद्ध क्रांति सेना व शिवसेना ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया। आज शिवसेना व क्रांति सेना कार्यकर्ता प्रकाश मार्केट स्थित कार्यालय पर एकत्र होकर यहाँ से जोरदार नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे और वहां प्रदर्शन करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। आज क्रांति सेना व शिवसेना के द्वारा इसराइल पर इस्लामी आतंकवादियों के द्वारा हमले के विरोध में प्रदर्शन करके ज्ञापन प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है, भेजा गया है, जिसमें हमने मांग करी है कि जिस प्रकार इसराइल पर हमास के द्वारा हमला किया गया है तो ऐसे समय पर हर तरह से इसराइल का साथ देना चाहिए। इसके अलावा भारत के अंदर बहुत से लोग, बहुत सी संस्थाएँ, संगठन व नेता लोग इस आतंकवादी हमले के समर्थन में हमास जैसे आतंकवादी संगठन का जो समर्थन कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कठोर कानून कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आज इस आतंकवादी हमले का समर्थन कर रहे हैं, हमास जैसे संगठन का जो समर्थन कर रहे हैं, कल को यदि पाकिस्तान के द्वारा भारत पर हमला होता है तो ये लोग पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो सकते हैं। इसलिए इनकी देशभक्ति के लिए इनकी निष्ठा बड़ी संदिग्ध है, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज हमने मुख्य मांग ये रखी है ज्ञापन के माध्यम से, एक तो जो है इसराइल का हर तरह से साथ दिया जाए, और जो फिलिस्तीन के राजदूत ने भारत, जो भारत में उनका राजदूत है, उसके द्वारा भी इस हमले का समर्थन किया गया है, तो फिलिस्तीन के राजदूत को भी देश से बाहर निकाला जाए, और जो लोग इस देश में रहकर उस हमास के आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।